हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्मैकडाउन के न्यू एपिसोड के बारे में। WWE ने इस एपिसोड के लिए रोमन रेंज और डॉल्फ जिगलर के बीच बड़ा मैच कंफर्म किया हुआ है। अब देखते हैं इस मैच में और एपिसोड में क्या क्या दिखा, सब पर नजर डालेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत में इसके सेगमेंट से हुई। मेजा के कहते हैं कि लास्ट वीक के मेन इवेंट में क्या हुआ था वो सभी ने देखा। मैं डैनियल ब्रायन को बहुत पहले से जानता हूँ, सभी को पता है मैं डैनियल ब्रायन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, लेकिन वो मेरे एक फैमिली मेंबर जैसे हैं। तभी फायरफ्लाई अनाउंस सेगमेंट में फिंड स्क्रीन पर दिखाई दिए। फिंड ने पहले डैनियल ब्रायन की फोटो दिखाई जिसमें उनके चेहरे वगैरह पे क्रॉस लगे हुए थे। इसके बाद फिंड मिस से कहते हैं कि तुम TLC में मेरे साथ खेलोगे। फिर फिंड ने मिस की फैमिली की फोटो दिखाई जिसको देखकर मिस गुस्से में आते हैं और बैकस्टेज दौड़ जाते हैं। मिस काफी टेंशन में दिखाई दे रहे थे। फिर उन्होंने बैकस्टेज जाकर मरीज को कॉल किया और तुरंत वहां आने को कहा। इसके बाद हम एलेक्सा ब्लिस वर्सेस मैंडी रोज के बीच मैच दिखा। दोनों की पार्टनर रिंग साइड खड़ी हुई थी। शुरुआत से पंचेस से हुई, दोनों ने एक दूसरे को जमकर मारा। वहीं एलेक्सा ब्लिस थोड़ी गुस्से में भी दिखाई दी। सोनिया डेविल ने भी इस मैच में इंटरफेयर करा तो रिंग साइड खड़ी निक्की क्रॉस ने उन्हें बॉडी क्रॉस देके गिराया और ब्लिस ने मूव देके यहां ये मैच जीत लिया। इसके बाद हमें रिंग में मैवरिक दिखाई दिए। उन्होंने आके रिंग में अलायस को चैलेंज कर डाला। अलायस डाना ब्रुक के साथ रिंग में आते हैं, बट अलायस ने जो मैवरिक को मारा वो वाकई देखने लायक था। उन्होंने मार मार के मैवरिक का बुरा हाल कर दिया। इसके बाद शो बैकस्टेज गया जहां फिंड ने मिस पर बुरी तरह से अटैक कर दिया और उन्हें पस्त कर दिया। इसके बाद हमें टैग टीम्स के बीच फैटल फोर वे एलिमिनेशन मैच दिखा जिसमें शॉर्टी जी, अली वर्सेस हैवी मशीनरी वर्सेस रिवाइवल वर्सेस लूचास पार्टी जैसी टीम शामिल रही। न्यू डे कमेंट्री टेबल पर बैठे दिखाई दिए। मैच शुरू हुआ और लूचास ने अपने हाई फ्लाइंग मूव्स रिंग में दिखाना शुरू करे, बट हैवी मशीनरी ने उन्हें जल्दी एलिमिनेट कर दिया। अच्छा मैच दिखा इनके बीच, तभी रिवाइवल ने हैवी मशीनरी को एलिमिनेट कर दिया। अब बची दो टीम्स के बीच जीतने को लेकर काफी टक्कर दिखाई देखने को मिली। अली और शॉर्टी जी ने भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी इस मैच में, बट एंड में ये मैच रिवाइवल ने जीत लिया। अब वो TLC में टाइटल के लिए न्यू डे के खिलाफ मैच लड़ेंगे। नेक्स्ट मैच हमें लेसी इवान वर्सेस लोकल रेसलर के बीच मैच दिखा। ये मैच ज्यादा लंबा नहीं चला और आसानी से लेसी इवान ने इस मैच को जीत लिया। तभी शाशा बैंक्स की एंट्री हुई और उन्होंने आके लेसी को वार्निंग दी उनसे नेक्स्ट टाइम ना उलझने के लिए। वहीं बैंक्स ने भी लेसी की बेटी के लिए उठपटांग बोला। फिर क्या था, लेसी ने भी बैंक्स को वार्निंग दे डाली और मारने का एक्शन करा तो बैंक्स डर के गिर गई। तभी लेसी वहां से चली गई और स्टेज पर पहुंची थी तो बैली ने पीछे से आकर उन पर अटैक कर दिया और बैंक्स ने भी आके लेसी को जबरदस्त किक दे मारी। इसके बाद मेन इवेंट में हमें डॉल्फ जिगलर वर्सेस रोमन रेंस के बीच मैच दिखा। मैच शुरू हुआ और डॉल्फ जिगलर ने रोमन रेंस की नी पर अटैक करा और रिंग के बाहर उन्हें स्टील स्टेप्स पर भी दे मारा। रोमन रेंस ने वापसी की कोशिश करी बट डॉल्फ जिगलर ने उसे फेल करा। डॉल्फ थोड़ा हावी दिखाई दे रहे थे रोमन रेंस पर, तभी कॉर्बिन की एंट्री होती है। रोमन रेंस ने अब वापसी करी और डॉल्फ जिगलर को मारा। कॉर्बिन ने दखल देने की कोशिश करी तो रोमन रेंस ने उन्हें सुपरमैन पंच देकर ढेर करा और डॉल्फ जिगलर को स्पीयर देके मैच जीत लिया। मैच जीतते ही कॉर्बिन की सिक्योरिटी ने रोमन रेंस पर अटैक करा, बट रोमन रेंस ने उन्हें भी मारा और कॉर्बिन ने मौका देखकर रोमन रेंस पर अटैक करा और टेबल पर उन्हें दे मारा। डॉल्फ जिगलर ने भी रोमन रेंस को मारा और सबने मिलकर टर्न बकल पर रोमन रेंस को हैंडकफ लगा दिए और इसके बाद डॉल्फ जिगलर और कॉर्बिन ने रोमन रेंस के मुंह पर डॉग फूड लगाया और उन्हें खिलाया और जमकर उनकी इंसल्ट करी। यहीं स्मैकडाउन का एपिसोड खत्म हुआ। एपिसोड छोटा था, वहीं बहुत से सुपरस्टार मिसिंग दिखाई दिए, जबकि TLC में अब ज्यादा टाइम नहीं रह गया है। TLC के लिए कुछ मैचेस सामने आए हैं बट सारे अभी नहीं आए हैं। रोमन रेंज इनके सामने अकेले पड़ चुके हैं। अब देखते हैं कि TLC में उनका मैच किसके साथ होता है। कैसा लगा आज का एपिसोड आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही, पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।